वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशोदा और माय लाइफ। गाइस कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस तो आज बहुत दिनों बाद मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, मतलब 2-3 दिन हो गए इसके बाद कर रही हूँ आज ब्लॉगिंग। तो गाइस मैं ये कह रही थी, देखो गाइस मुझे कितने सारे कपड़ों की तह लगानी है। ये देखो पूरा एक कुर्सी भर के कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे इनकी तह लगानी है, सबको अच्छे से करके रखना है। और ऑर्डर आया है कि प्रेस भी करना है गाइस। ये देखो इतना छोटा दिव्यांश है, इसे प्रेस से मुझे इतना डर लगता है, तो मैं कपड़ों पे प्रेस करना नहीं चाहती। लेकिन दिव्यांश के पापा कह रहे हैं कि ऑफिस में ना मुझे प्रेस करे हुए कपड़े पहन के जाने हैं, मैं नहीं पहन के जाऊँगा ऐसे कपड़े। मैं उनसे कहती हूँ खुद कर लिया करो, लेकिन वो नहीं करते एक भी कपड़ा प्रेस। गाइस बड़ी बचा बचा के दिव्यांश से मुझे कभी कभी प्रेस करके उन्हें देने पड़ते हैं, क्योंकि वो दिव्यांश है ना, क्या कहते हैं, प्रेस को छीनता है मेरे से, सोचता है मैं कर लूँ प्रेस, लेकिन गर्म होती है तो बहुत ही बचा के चलना पड़ता है। तो गाइस मुझे करने हैं इनमें से कुछ कपड़े उनके प्रेस, वो मैं करूँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, यही होते हैं हम सब हाउस वाइफ के, यही काम है, कपड़ों की तह लगाओ, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, ये दुनियादारी करने करते रहते हैं, बस क्या करें गाइस। और ये देखो इधर अभी रानी बैठी है, बाबू को खिला रही है थोड़ा, तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। पता है गाइस क्या होता है, मैं कपड़ों की तह लगा के रखती हूँ कुर्सी पे, और वो उधर सारे कपड़े गिरा देता है। सही कह रही हूँ रानी, मैं तह लगा के रखती हूँ ना, और दिव्यांश पूरे कपड़ों की तह गड्डी गिरा देता है नीचे, उसका ये है। तो मैं गड्डी बना के रखूंगी और वो पूरे कपड़े नीचे गिरा देगा। और अभी मैं कल लाई थी इसके लिए तोता, तोता दिखाना बाबू अपना, गाइस को तोता दिखाओ। हाँ गाइस ये वाला तोता मैं लेके आई, 60 रुपये का मिल रहा था, बड़ी मुश्किल में 50 रुपये में माना है, बहुत ही मुश्किल में 60 रुपये का मिल रहा था तोता। और अभी तो इसके साथ बहुत सारे खिलौने हो गए हैं, दिव्यांश अपने खिलौने दिखा दो वहाँ पे, दिखा दो ना। हाँ देखो ये, देखो ये हैं दिव्यांश के खिलौने, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये मैंने लगाई थी लाइटिंग, आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी डीवी ब्लॉगर पे, आप लोगों ने देख ली होगी कि मैंने ये लाइटिंग वगैरह लगाई थी गाइस। तो यही है, चलिए मैं कर लेती हूँ इन कपड़ों की सारी तय बना लेती हूँ, दिव्यांश मेरा खेल लेगा। ठीक है ठीक है, आप खेल लोगे ना? हाँ बैठ के खेलते हैं ऐसे नहीं, ठीक है दीदी के साथ खेलो, मैं फटाफट तय लगा लेती हूँ। ठीक है आप ब्लॉग में बने रहना, मैं क्या क्या होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा गाइस। और हाँ एक और बात बतानी थी गाइस, मैं अभी चल रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्रे में हो रहा है हमारे यहाँ पर रोज 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 नवरात्रे में क्या हो रहा है, कीर्तन कीर्तन हो रहा है डेली, तो मुझे उसकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पाता। ये कल के कपड़े भी पड़े हैं जिनकी मुझे तह लगानी है, इसीलिए इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि डेली कीर्तन में मुझे भजन करने जाना होता है, कभी मेरे होता है, कभी किसके होता है। मैंने अपने यहाँ पर भी कराए थे, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर नहीं करी, अब मैं दोबारा करवाऊंगी तब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है तो ब्लॉग में बने रहना। ये देखो इसको अपनी मस्ती आ रही है, चलिए तय लगा लेते हैं। लगा लिए मैंने तय, मुझे अभी इतने सारे कपड़े प्रेस, देखते हैं कितने सारे ये करने देगा या नहीं करने देगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 4 पैंट हैं, इतने सारे कपड़े प्रेस करने हैं, देखते हैं दिव्यांश कितने करने देगा और कितने नहीं करने देगा, क्योंकि अभी तो इसका ध्यान है टीवी में, लेकिन कुछ पता नहीं ये देख रहा है अभी, वीर देख रहा है ये अभी। कपड़े प्रेस करके अब मैं जा रही हूँ कीर्तन में, और फिर मिलूंगी मैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. गजानन मनाओ